हरियाणा में मानेसर भूमि आवंटन घोटाले केस में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। हुड्डा के रोहतक, दिल्ली, मानेसर, चंडीगढ़ ठिकानों पर शनिवार दिन भर सीबीआई की कार्रवाई चली। हुड्डा के कार्यकाल में मानेसर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कुछ बड़े बिल्डर्स ने किसानों को कम दाम पर सरकारी अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी जमीनें खरीद ली। सरकार ने बाद में इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। बिहार के सुपौल में एक लड़के ने अपने पिता पर आतंकवादी बनने का दबाव डालने का केस दर्ज किया है। डकी घाट मोहल्ले में रहने वाले लड़के का आरोप है कि उसके पिता का कहना है कि आतंकवादी बनने पर ढेर सारा रुपया मिलेगा और तुम जन्नती बन जाओगे। हालांकि पुलिस इसे संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद बताकर समझौता कराने की बात कह रही है। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता इंद्रजीत सेन के घर से मिले शराब कांड में उत्पाद विभाग के दरोगा दीपक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीपक कुमार पर इंद्रजीत सेन को उनके विरोधी नेता से मिलकर घर में शराब रखकर साजिश के तहत फंसाने का आरोप है। दीपक कुमार ने 30 अगस्त को 168 बोतल देसी शराब के साथ जेडीयू नेता को गिरफ्तार किया था। बिहार के वैशाली में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन बांटते फोटो खिंचाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि मंत्री जी को भारतीय संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए था। वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर माफी मांगने की बात कहकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। भारत के संस्कार और संस्कृति के तहत हर काम होना चाहिए, बेटी हमारी हो या हमारे यहाँ पर्दे का महत्व है। नीयत बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी सी गलती हुई है पैकेजिंग में, तो ये हम सामूहिक रूप से इसको हम लोग कहेंगे तो भाई हम लोग माफी मांग लेंगे वो बच्चियों को जिसको गलती हुई है। कश्मीर घाटी में आज भी कुछ जिलों में कर्फ्यू जारी है। बुधवार को बिगड़े हालात के बाद श्रीनगर के 5 थाना इलाकों के अलावा बारामूला, सोपोर और बड़गाम में दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाकी जगहों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के चंपावत में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य कर्मियों का दर्जा दिए जाने और सैलरी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार में गौ अभ्यारण बनाने का फैसला किया गया है। 50 एकड़ की जमीन इसके लिए राज्य सरकार ने नगर निगम को दी है। 9 सितंबर को राज्य के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। इस अभ्यारण में गाय के अलावा सभी तरह के लावारिस पशु को भी रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ऋषिकेश में 500 एकड़ जमीन देगी। इसके तहत ऋषिकेश में जलीय जीवों के लिए ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा गंगा को साफ रखने के लिए कछुआ, मछली और जलीय जीव भी छोड़े जाएंगे। उत्तराखंड के टिहरी में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तहत हजारों की संख्या में प्राइमरी टीचर्स ने प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ ने वेतन विसंगताओं को दूर करने समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकाली और मांगे पूरी नहीं होने पर देहरादून में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यूपी के गोरखपुर में राशन स्तर का एक हॉकी खिलाड़ी टी शर्ट और ट्रैक सूट बेचकर गुजारा करने को मजबूर है। मोहम्मद इमरान ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल की कई हॉकी प्रतियोगिताओं में कप्तानी की थी, लेकिन आज ये खिलाड़ी गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर है।